हाय फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने जा रहा है और ये बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल भोला शोला के ऊपर ही है। आप सभी बोलते होंगे इतने दिन हो गए कि जयदीप भाई ये क्या कर रहे हैं, इतने दिनों से भोला शोला के पीछे पड़े हुए हैं। फ्रेंड देखिए, जिन लोगों के पेपर नहीं मिले, जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, तो मैं उन सभी के साथ हूँ। जो मुझे वीडियोज़ डाल रहे हैं, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं हर एक की वीडियो डालूँगा। अगर आपके साथ भी फ्रॉड हुआ है, ज़रूरी नहीं कि इन्होंने किया, अगर किसी ने भी फ्रॉड किया है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं ज़रूर आपकी वीडियो बनाऊँगा। अब बात करते हैं डॉग की। मेरे पास कई सारे रीज़न हैं कि आप भोला शोला से आपको डॉग नहीं लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपको एक नॉर्मल क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा रेट में देते हैं, इनका पर डॉग 5 to 10,000 मार्जिन होता है। अगर जिन्होंने लिया है डॉग, उनको अच्छी तरह से इस चीज़ के बारे में मालूम है। फ्रेंड, दूसरी बात, इनके बीच में ब्रोकर्स बहुत हैं, क्योंकि इनकी खुद की कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। अगर बात करें इनके पास फार्म है या कैसे भी है, बट जो भी ये पप्पी उठाते हैं ये मार्केट से उठाते हैं, और मार्केट में तो आप खुद भी जाकर ले सकते हो। फ्रेंड, सो क्यों फंसना ऐसे लोगों से। तीसरी बात, हम बात करते हैं KCI पेपर्स की। कभी भी डॉग लेना है इनसे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि KCI पेपर के चक्कर में मत पड़ना भैया। बहुत लोग आगे फंसे पड़े हैं और बीच में भगवान ना करे आपका नंबर भी लग जाए। ठीक है, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, बट रियलिटी जो है वो बता रहा हूँ आपको। उसके बाद फ्रेंड्स, चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनके पास कोई मदर फादर की हिस्ट्री नहीं होती है। आपने बहुत सारी यूट्यूब चैनल पे देखा होगा और बहुत सारी इनके खिलाफ वीडियो बनी है कि ये कहीं से भी पप्पी उठाकर अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं, और कहीं से भी आप देख सकते हो कि डॉग उठाकर दे देते हैं। फिफ्थ पॉइंट, जो पप्पी दिखाया नहीं जाता है वो दिया नहीं जाता है। ठीक है, जो दिखाया जाता है वो तो कभी भी नहीं देते ये पप्पी। रीज़न क्या है कि जैसे बहुत सारे रिसेंटली मेरे पास केस आ रहे हैं जो न्यू है, अभी 1.5-2 मंथ लॉकडाउन से पहले की बात है, 1-1.5 महीने पहले की। बहुत सारे फ्रेंड जिन्होंने इनसे पप्पी लिया है, उन्होंने सभी ने मुझे बोला कि सर, जो हम बहुत ज़्यादा तंग हो चुके हैं इनकी कस्टमर केयर सर्विस से भी और इनके डॉग से भी। जो पाँचवीं बात भैया, आप बोलते हो कि हमारा अगर किसी का डॉग मर जाए तो हम उसको नया डॉग दे देते हैं, ये लाइन इनके खुद मैनेजिंग डायरेक्टर की है। मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ भैया, अगर आप प्रॉपर केयर करके उसके मदर फादर अच्छे देकर आप दोगे तो पप्पी कहाँ से मर जाएगा। इतने ब्रीडर हैं इंडिया में जो पप्पी दे रहे हैं, उनके तो कुछ होता नहीं है। चलो वो तो भगवान के हाथ में होता है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने हाथ में भी होती हैं। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, आप है ना, इनसे पप्पी मत लीजिए। एंड उसके बाद बात करते हैं कि एक नया ट्रेंड चला हुआ जो इन्होंने शुरू किया था आज से कहा थोड़े समय पहले, फ्रेंचाइजी सिस्टम। चलो आज उसकी भी बात करते थे। 2-3 फ्रेंचाइजी इनकी ऑलरेडी फ्लॉप हो चुकी हैं और बाकी भी बहुत जल्दी होने वाली है। ये कोई अफवाह नहीं है, ये रियलिटी है। क्योंकि भैया, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप फ्रेंचाइजी खोलते तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। प्रॉपर कोई बिजनेस सेटअप नहीं है इनका, कोई कुछ नहीं है, जो भी है सब कुछ रेंटल प्रॉपर्टी है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, जो ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कोई भी चाहे इनका पप्पी पावर पैक हो, प्रेगनेंसी केयर हो, कोई भी जो भी प्रोडक्ट इन्होंने मैन्युफैक्चर किए, कोई डॉक्टर की सलाह से नहीं इन्होंने किया, ये सब इन्होंने कॉपी पे किया है। ठीक है जी, मैं वो आपको ज़रूर बताऊंगा, मेरे पास इसका प्रूफ भी है। और फ्रेंचाइजी अगर आप इनसे ले रहे हो, उससे अच्छा है कि आप अपनी पॉकेट के हिसाब से एक शॉप खोल लो अपनी भैया, वो ज़्यादा बेटर है। गाइड हम कर देंगे, डॉक्टर से हम मिला देंगे, आपकी हेल्प हम कर देंगे ऑल ओवर इंडिया में। डॉग लेने उसमें भी हम आपकी हेल्प कर देंगे। पंजाब आओ, मुझसे मिलो, ठीक है, आपको जितना खुद मैं कैनस में लेकर जाऊंगा, वहाँ पे आपको आपके पसंदीदा डॉग जो है आपको दिलवाऊंगा। ठीक है, और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, फ्रेंचाइजी इनके फ्लॉप होने का कारण क्या है। फ्रेंड्स, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक यूट्यूब पे वीडियो डालने से, कोई फ्रेंचाइजी ओपन करने से ये कुछ नहीं हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो छोड़ ही दो ना आप, बस यही मैं कहना चाहूँगा कि इनसे डॉग मत लीजिए लास्ट में भी, और जितना हो सके फ्रेंड्स इनको इनके रिपोर्ट कीजिए इनके चैनल को, ताकि आप बहुत सारे लोगों को सेव कर सके। एंड अनसब्सक्राइब कीजिए, सबसे ज़रूरी बात है। जिन जिन लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है वो जल्दी से जल्दी आगे आओ, मुझे मेरा व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करो। हम जितनी जल्दी हो, जितना आप मुझे वीडियोस डालोगे उतने ही मैं आपको आगे क्या है कि शेयर करूँगा, और जितनी आप मेरे पास इनपुट आएगी आपकी तरफ से उतनी धड़ाधड़ वीडियो डलेंगी इनके खिलाफ। ज़रूरी नहीं कि इनके खिलाफ, हर एक के खिलाफ, जो भी फ्रॉड करेगा उसके खिलाफ हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे। और ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना, जो भी मेरे पास पॉइंट थे
मैंने बता दिया इनके कस्टमर केयर सर्विस कोई कुछ खास नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई इनके पास क्वालिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है फ्रेंड, उठाते हैं ब्रोकर से उठाते हैं, आपको जो भी चीज़ दे रहे हैं महंगी दे रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ इनसे मत लीजिए। बाकी की वीडियो बाकी के जो पार्ट है मैं अलग अलग बहुत सारे पार्ट बनाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स प्लीज़ वॉच करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि सबसे पहली वीडियो आपके मोबाइल में जा आपके आए। ठीक है।